शोएब की फैन। जब दीपिका दी नाराज हो जाती हैं तो शोएब आप उन्हें कैसे मनाते हो? चलो मैं नाराज हूँ, मैं नाराज हूँ। देखो मैं बिल्कुल फिल्मी नहीं हूँ और मुझसे बिल्कुल वो फिल्मी टाइप चीज़ें। शोएब मैं नाराज हूँ, मनाओ। बिल्कुल फिल्मी टाइप चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मैं एक बार सॉरी बोलता हूँ या दो बार सॉरी बोलता हूँ या दीपिका हंस दो, क्या हो गया? छोड़ो ना, ठीक है कोई बात नहीं वो। और जब मेरी गलती है तो मैं तीन बार भी सॉरी बोलता हूँ जाती हूँ। फिर जब नहीं मानती ना तो मेरे पास एक पैतरा है, तो वो क्या है कि अगर नहीं मानती तो मैं उल्टा इससे गुस्सा हो जाता हूँ, तो फौरन मानना चाहिए। ये बहुत चालाक सच में यार, बहुत। एक्चुअली ही नोज दैट, वन सेकेंड, ही नोज दैट वन सेकेंड, ही इज माई वीकनेस, और उसका बहुत फ़ायदा उठाता है, बहुत बहुत चालाक होता है। एनी वेज, नेक्स्ट, अगेन शोएब की फैन। जब शोएब नाराज़ हो जाते हैं तो दीपिका उन्हें कैसे मनाते हैं? इसके पसंद का खाना बना देती हूँ बस। मैं मान जाता हूँ। हिज हार्ट इज ट्रूली थ्रू हिज स्टमक, ट्रूली। फॉर दीपिका दी, अगेन शोएब की फैन। हाउ मच टाइम शी टुक टू सिलेक्ट शोएब्स बर्थडे गिफ्ट, दैट ह्यूमन बींग साइकिल? 5 मिनट्स। मैं बहुत इनके बारे में, मुझे बहुत चीज़ें इन एंड आउट पता रहती हैं, तो इसीलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ये डिसाइड करने में कि इनको क्या गिफ्ट करना है। और इत्तेफाकन उससे कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ हमारे नचपली के शूट में सलमान भाई आए थे, तो उसी और उसी के आसपास उन्होंने अपना वीडियो अपलोड किया था वेयर ही वॉज राइडिंग हिज बाइसिकल, तो उसी वक्त शोएब ने बोला था कि यार ये लेनी है, तो वो बात मेरे दिमाग में थी। आई एम गुड इन सरप्राइजेस, है ना? मैं बिल्कुल ही डब्बा। ओके, शोएब की दीवानी। विच वॉज योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम ससुराल सिमर का? मेमोरेबल मोमेंट यार, तो काफ़ी वक्त हो गया और आई थिंक मुझे जितना मुझे याद है कि जो हम जब प्रेम और सिमर की शादी हो रही थी और शादी का जो पूरा वो वीक था, वहाँ पे सगाई थी, हल्दी थी, वो जो वीक था आई थिंक वो बहुत मेमोरेबल था। उस वक्त हमने बहुत अच्छी बहुत सारी मस्ती की थी, हम एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आए थे एज अ फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें जाने थे समझे थे एक दूसरे के बारे में, और उस पूरे फंक्शन की जो फोटोग्राफी थी ना वो बहुत अच्छी थी। इनकी लाइफ में फोटोज़ की बहुत अहमियत है बाय द वे। अच्छा, एंड उसमें एक बहुत ही कमाल की चीज़, जनाब को गाने का बड़ा शौक है, ठीक है, ये तब नए नए मिले थे तो नया नया पता चला था, अब इनको गाने का बड़ा शौक है। उस वक्त संगीत का फंक्शन है, सब दूसरे शो के आर्टिस्ट आए हैं, नहीं दूसरे शो के आर्टिस्ट आए हैं डांस करने के लिए, बात करने के लिए, तो ही गेट्स द सॉन्ग तेनू लेके जावांगा, एंड इन्हें उसके लिरिक्स नहीं आते, तो इनसे आप जितने भी ऑफ बीट बोरिंग से बोरिंग गाने गवा लो, उसके लिरिक्स याद हैं लेकिन अच्छे याद नहीं है। वो ऑफ बीट था? नहीं, वो तो अभी सुधर गए ना मेरे साथ 5 साल रह के। अच्छा, नाउ शोएब दीपिका, विल योर वेडिंग बी इन बोथ रिचुअल्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम? नो, आई वॉन्ट टू डू द वेडिंग ओनली एज अ निकाह। ये मैं जवाब दूंगी, ये मेरा सवाल। शोएब दीपिका, विल इट बी अ डेस्टिनेशन वेडिंग? वो अभी हम इन डिस्कशंस हैं, तो वो वील अपडेट यू द मोमेंट वी कन्फर्म इट। व्हाट्स योर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ड्यूरिंग योर रिहर्सल्स फॉर नच बलिए 8 विद वाइल्ड रिपर्स? विथ वाइल्ड रिपर्स वी हैड एन अमेजिंग टाइम। ऐसे तो आई थिंक पूरी जर्नी बहुत ही ऐसी है, क्योंकि रिहर्सल का वक्त ऐसा होता था ना, उस दौरान हम लोग मस्ती भी करते थे, स्ट्रेस में भी बहुत हुआ करते थे, रात को 2-3 बजे तक जागना, फिर बाहर आके चाय पीना, तो वो पूरा यादगार बहुत शायद बहुत अच्छी यादें हैं जो कभी दिल से नहीं जाएंगी, जहन से नहीं जाएंगी। बट जब जो वाइल्ड रिपर्स का वीक था वो बहुत ही मज़ेदार था, मतलब उनके साथ अपना स्टेप मैच भी करना वॉज अ डिफरेंट लेवल ऑफ डांसिंग ऑल टुगेदर। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो क्योंकि हमारी जो पूरी टीम थी उसमें दो लोग थे, रूपाली एंड एजे, वो लोग हम दोनों को सिखाए, रूपाली यूज़ टू टीच मी एंड एजे यूज़ टू टीच हिम, और वो एक बीट भी नहीं छोड़ते थे, तो उसके लिए हम उन्हें हमेशा छेड़ते थे क्योंकि हमारी बैंड बजाते थे वो लोग, नॉट वन बीट दे यूज्ड टू मिस, वो बहुत याद आता है। अंकुर 1996, व्हाट वाज रिएक्शन व्हेन यू बोथ सॉ ईच अदर फर्स्ट टाइम? पर ये अच्छा इंस्टाग्राम के लिए तो तुम बताओ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बहुत ही खड़ूस, बहुत ही बोरिंग इंसान लगा था मुझे ये, क्योंकि इनके एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया था कि देखो शोएब ये है जो तुम्हारे ऑपोजिट कास्ट हुई है, ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही वाज लाइक, तो मेरा तो दिल बैठ गया था, मैं डर गई थी कि मुझे आगे का पूरा शो इस लड़के के ऑपोजिट शूट करना है, मैं कैसे करूँगी, बट मुझे क्या पता था पूरी जिंदगी इसे झेलना पड़ेगा। yes.
इसलिए मैंने पहले रिएक्शन ऐसे दिया था। कैसा दिया था? कि हाँ ठीक है व्हाटएवर। ओके नाउ वेगा स्पीक्स, डू यू हैव एनी लव सॉन्ग व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब्स योर रिलेशनशिप? इश्क रिस्क। हाँ इनिशियली वो सॉन्ग पर्सनली भी बहुत पसंद है, और जिस वक्त वो सॉन्ग रिलीज हुआ था तो ऐसा लगता था कि शायद हमारे लिए ही लिखा हुआ है। इश्क रिस्क फ्रॉम मेरे ब्रदर की दुल्हन। ओके नाउ अनु डॉट पास, दीपिका इफ यू गेट टू एक्ट इन एन हिस्टोरिकल शो एंड इन एन हॉरर थ्रिलर शो एट अ टाइम विच वन वुड यू चूज? ओके ऐसा कुछ नहीं है, विच एवर विल ऑफर मी अ बेटर कैरेक्टर एंड एज एन एक्टर मुझे जिसमें लगेगा कि ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर कैरेक्टर है आई विल डेफिनेटली चूज दैट। एंड दैट्स ओवर, बहुत बातें कर ली और हमने बहुत पका लिया। हे गाइस, फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू टेलीटॉक इंडिया।